প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে আড্ডা গল্প প্যারিস থেকে ফিরে নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলো গোটা প্যারা অলিম্পিয়ান দলটি আর নিজের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়েছেন নবদীপ সিং ধর্মবীররা शीतल की सिग्नेचर मिल जाएगी आज मुझे तो क्या पहनाना चाहोगे तो मैं यहाँ बैठता हूँ तुम पहनाओ आज मुझे आपको सुनना है आप लोगों के क्या अनुभव रहे वहाँ सबसे मिलते होंगे कुछ न कुछ अच्छी बातें हुई होगी वो मैं जरा सुनना चाहता हूँ सर नमस्ते हर हर महादेव सर हर हर महादेव सर मैं ब्लाइंड जूडो से कपिल परमार 60 kg खेलता हूँ सर और सर मेरे कोच हैं उनका भी मेरे मनोहर अंजार जी उनका बहुत आशीर्वाद दिया क्योंकि हम लोगों को संभालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है क्योंकि सर हम हर कहीं टकरा जाते हैं और कोई हमसे आके टकरा जाता है तो मैं उनसे पूछता हूँ आप ब्लाइंड हो कि मैं ब्लाइंड हूँ कपिल उस दिन तुमने मुझे बताया कि स्टेडियम में से कपिल 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 इतनी आवाज आ रही थी जी सर तो मैं मेरे कोच की सूचनाएं सुन नहीं पा रहा था वो मैं एक्चुअली एक्सपीरियंस करना चाहता हूं कैसे आपके कोच कहाँ है सर हाँ जरा बताइए क्या मुश्किल होता है सबसे अहम बात है ब्लाइंड जूडो में कि जो इंस्ट्रक्शन हम लोग बाहर से देते हैं जो इनको सिखाया जाता है उसमें हम लोग एक कोडिंग करते हैं कि जब हम जाएंगे तो ये बोलेंगे तो तुम्हें ये करना है क्योंकि वहाँ दिखता तो है नहीं कुछ तो उस दिन हमारे 7 2 मैट एरिया थे एक मैट पे हमारी बाउट चल रही थी फाइट और दूसरे पे जो है वो फ्रांस की फाइट चल रही थी और फ्रांस की फाइट में इतना शोर हो रहा था करीब 15,000 से 18,000 दर्शक वहाँ थे तो जिसकी वजह से जब ये सेमीफाइनल खेलने गए तो जो मैं बोल रहा था वो ये नहीं समझ पा रहे थे और डेफिनेटली क्योंकि सेमीफाइनल का एक प्रेशर था और जो खिलाड़ी था ईरान का उससे पहले ये सेमीफाइनल फाइनल में एशियाई खेलों में हारे थे तो यकीनन उसका भी प्रेशर होगा तो इस वजह से ये उस दिन हमें भारत के लिए गोल्ड मेडल नहीं ला पाए जैन सर मैं एक सोल्जर हूँ और मेरी वाइफ है सिमरन शर्मा और एक मेरे पास प्रीति है मैं एथलेटिक का एक कोच हूँ पैरा एथलेटिक का तो मेरे दो एथलीट है दोनों 100 और 200 मीटर करते हैं और फर्स्ट टाइम जो एथलेटिक में ट्रैक में मेडल आया है सर मेरे एथलीट लेकर आए हैं अभी और 3 मेडल आए हैं हमारा काफ़ी वहाँ पे सीखने को मिला सर जैसे कि वहाँ पे हमारा 100 मीटर में एक इवेंट में मतलब 2 मेडल आ गए तो 2 मेडल एक ही रूम में 2 एथलीट हैं 100 मीटर के दोनों पहली बार खेलने जा रहे हैं देश के लिए पहली बार मेडल जीतने के लिए जा रहे हैं ट्रैक में तो जब 2 मेडल एक रूम में रखे हों और दूसरे खिलाड़ी का अभी इवेंट भी नहीं हुआ हो तो उस प्रेशर को मैं एज ए कोच एज ए हस्बैंड मैं कैसा फील कर रहा हूँ मैं उसको समझ रहा हूँ दूसरा एथलीट जो है उसका गेम भी नहीं हुआ और उसमें 2 मेडल रखे हैं हाई प्रेशर है ओके भाई मेरा तो मेडल भी नहीं आया उसके 2 मेडल आ चुके हैं तो उसको उससे बाहर निकालने के लिए बार बार उसको मुझे एंगेज करना पड़ रहा था बहुत बिजी रखना पड़ रहा था पूरे दिन तो वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला हम 100 मीटर में हार गए सर अच्छा वहाँ तो तुमने दिन निकाल दिए अब घर में क्या होगा तेरा सिमरन सर ये जितना अच्छा बन के दिखा रहा है इतना है नहीं मैं जब हम यहाँ पे आए थे तो यहाँ से जाने से पहले बात हुई थी एक्चुअली हम दोनों में ये बात होती थी कि ट्रैक को पहला मेडल कौन देगा तो फिर जब इवेंट लिस्ट आई तो उसमें पता चला प्रीति का इवेंट पहले है तो हम श्योर हो गए थे कि पहला मेडल तो यही देगी तो जब हम यहाँ पे आए तो उससे पहले ये गज्जू मतलब ये कोच बोल रहे थे कि तुम्हें 1 महीने का रेस्ट दिया जाएगा फिर उसके बाद जब अभी हम यहाँ पे आए अभी हम सुबह ही बात चल रही थी तो सुबह मेरे से बोल रहे थे कि एक वीक का रेस्ट मिलेगा और उससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा तो मैंने बोला क्यों नहीं मिलेगा तो बोल रहे ब्रॉन्ज मेडल पे इतना ही मिलता है अब तुझे खाना नहीं मिलेगा ये मेरा तीसरा पैरालंपिक था मैं पिछले में भी आपसे मिला था आपने मुझे बहुत मोटिवेट किया था लेकिन शायद इस बार भी थोड़ी कसर रह गई मैं रियो पैरालंपिक में भी चौथा था टोक्यो में भी चौथा था इस बार पेरिस में भी चौथा हो गया सर तो ये 4 नंबर मेरे से कुछ ज़्यादा ही प्रेम में है तो मैं इसी 4 नंबर को शायद मोटिवेशन में लेता हूँ तो सोचता हूँ कि अगला मेरा चौथा पैरालंपिक होगा
सर मैं शरद कुमार हूँ, मेरा ये सेकंड मेडल रहा है, मैं थर्ड टाइम पैरालंपिक्स। शरद और संदीप दोनों को भाषण करने के लिए बोलूँ तो कौन सबसे ज़्यादा अच्छा करेगा? सर ये सर संदीप बहुत अच्छा बोलता है और शायद इसलिए थोड़ा सा पोत रह गया। दिव्यांगों के साथ काम करना, उनको सिखाने से पहले खुद को उस जिंदगी को जीने के लिए मन से तैयार करना पड़ता है, खुद को उस पोजीशन में रखना पड़ता है, कौन सी उसकी दिक्कतें हैं उसको खुद के जीवन में आत्मसात करना पड़ता है, तब जाके कह सकते हो। वरना मैं तो रूटीन में कह दूंगा यार दौड़ो, अरे वो कभी मैं नहीं दौड़ सकता, वो कोच समझ सकता है ये नहीं दौड़ सकता, उसके लिए तरीका ये होना चाहिए। और इसलिए मैं मानता हूँ कि जो पैरा एथलीट्स को जो ट्रेन करते हैं वो कोचिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, उनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत होती है जी, और इसको बहुत कम लोग समझ पाएंगे। मैं भली भांति समझता हूँ और मैंने कई बार जब फ़ोन पे भी सबसे बात करने का मौका मिलता है तो मैं इस बात का जिक्र करता हूँ। सर मेरा नाम नवदीप है सर, मैं इस बार जिनकी रील सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई, एक आप है दूसरा शीतल है। सर मैं F41 कैटेगरी में जेवलिन थ्रो करता हूँ सर, दूसरी बार पैरालंपिक पार्टिसिपेट कर रहा हूँ सर। मेरा इवेंट है ना सबसे लास्ट दिन था सर, और मैं तकरीबन 21 तारीख को चला गया था सर उधर, तो जैसे ही मेडल सर आने शुरू हुए ना सर, तो एक मन में घबराहट होनी शुरू हो गई कि सबके आ रहे मेरा क्या होगा। तो सर पर फिर भी सर, जैसे सीनियर एथलीट्स थे सर, जैसे सुमित भाई था, अजीत भाई साहब थे, संदीप भाई साहब थे, देवेंद्र सर थे, सबसे सर एक एक दिन मिलके सर एक्सपीरियंस गेन किया सर कि आप कैसा फील करते हो, मेरे को क्या करना चाहिए। और सर एंड तक आते आते सर मैं बिल्कुल फ्री माइंड होके खेलने का। वाह, थैंक यू सर। तो साथियों मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बधाई, धन्यवाद। तुमसे तो डर के रहना पड़ेगा। वेलकम, बहुत अच्छा किया इस बार। हाँ आइए, ये सारे वहाँ के टीम के बच्चे हैं। अच्छा सब जोड़ दिया है। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি ২৪ ঘন্টা।